हे स्कॉलर्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सूरभ गरड़ एंड वेलकम टू डू स्टडी प्ले क्रिकेट। तो आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के ऊपर 1-2 भी लिखिए। इस पार्ट 1 में हम देखेंगे एनसीईआरटी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। इसमें हम 4 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, और उस इंट्रोडक्शन में काफी सारे पार्ट्स हैं जो हम फर्दर वीडियो में देखेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस, इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स एंड एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस आज हम इस पार्ट 1 में देखने वाले हैं। सो गाइस, पार्ट 1 इंट्रोडक्शन में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स। सो सबसे पहला टाइप है नेचुरल नंबर्स, द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 टू इन्फिनाइट आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। यानी कि अगर इस सिंपल डेफिनेशन देखें, सो 1 to infinite के बीच में और स्टार्टिंग से जो भी नंबर्स हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। हमने ये प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। देन दीज नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल एन, और जो ये नंबर्स होते हैं वो कैपिटल एन से डिनोट किए जाते हैं। और अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, सो एग्जाम्पल्स आर 1, 2, 3, 4, 5 आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल नंबर। ओके, तो अगर इसकी सिंपल से सिंपल डेफिनेशन देखे जाए तो 1 to infinite जो नंबर्स हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं और ये n से डिनोट किए जाते हैं। अब हमारा सेकेंड नंबर का टाइप है होल नंबर्स। सो होल नंबर्स, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2 and so on आर कॉल्ड होल नंबर्स। यानी कि जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनाइट में एंड होते हैं, उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। दीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल W। सो जो हमारे होल नंबर्स होते हैं वो कैपिटल W लेटर से डिनोट किए जाते हैं। एवरी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स बट एवरी होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर्स। यानी कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, लेकिन जो होल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते। होल नंबर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर्स में 0 अगर हम ऐड कर दें तो वो बन जाता है होल नंबर्स। सो हमारा थर्ड नंबर टाइप है इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी कि कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव नंबर्स का और नेगेटिव नंबर्स का एक साथ कलेक्शन होता है, उन्हें हम इंटीजर्स टर्म से रिकॉग्नाइज करते हैं। दीज आर डिनोटेड बाय कैपिटल Z। ये कैपिटल Z से डिनोट किए जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक नंबर लाइन है 0, 1, 2, 3, ये सारे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इस सेट को हम इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। होप आपको ये 3 नंबर्स समझ में आए होंगे। अब हमारा टॉपिक है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स आर द टाइप्स ऑफ द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। इन दीज P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट 0। रैशनल नंबर जो होते हैं ना, वो एकदम P/Q में के फॉर्म में लिखे जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखे जाए, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2/3, तो ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q। इसे अब हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स, लेकिन उसमें भी काफी सारी शर्तें हैं, जैसे कि इन दिस P एंड Q आर इंटीजर्स। यानी कि जो ये है और ये है P एंड Q, तो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए, एंड जो हमारा Q है वो 0 नहीं होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ये साइन, ये इज इक्वल नॉट का साइन होता है। Q इज नॉट 0। अगर यहाँ पर 0 होगा तो वो फ्रैक्शन वो रैशनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ओके, द रैशनल नंबर इंक्लूड नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। जो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं उनमें या तो नेचुरल नंबर्स आते हैं, या तो होल नंबर या फिर इंटीजर्स आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये होल भी है, नेचुरल भी है, इंटीजर्स भी है, ये जो हमारा एग्जाम्पल है वो वाला। देन नेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q। Q इज इक्वल टू क्वेश्चन, जो हमारे नेशनल नंबर्स होते हैं वो कैपिटल Q से डिनोट किए जाते हैं, एंड Q का एकदम सिंपल डेफिनेशन होता है क्वेश्चन।
सो टॉपर्स, रैशनल नंबर्स यानी कि जो नंबर्स पी वाई क्यूब के फॉर्म में लिखे जाते हैं और दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और जो हमारा क्यू है डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए और ये कैपिटल क्यू से डिनोट किए जाते हैं। ओके, सो गाइस अभी हम देखेंगे कि अगर हमें दो रैशनल नंबर दिए गए हैं और अगर उन दोनों में के जो हमें नंबर्स हैं वो फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है तो हम उसके प्रोसेस देखने वाले हैं। वी हैव टू फाइंड द नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। सो गाइस अभी हम ट्रू और फॉल्स के तीन क्वेश्चन लेंगे, देखते हैं आपका आंसर सही होता है या नहीं। सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन इज एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो गाइस इसका आंसर है ट्रू। सो गाइस सेकंड क्वेश्चन है एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। ओके गाइस देखते हैं कि आपको इसका आंसर आता है कि नहीं। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है फॉल्स क्योंकि एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर, सो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और अगर हम सेकेंड वाले देखें जो होते हैं होल नंबर्स, सो होल नंबर्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सो अब देखिए ये नेचुरल नंबर्स है तो होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स है। देखिए सिर्फ होल नंबर यानी कि नेचुरल नंबर्स में ही एक जीरो अगर हम ऐड कर दें तो वो होल नंबर्स बन जाता है। देखिए नेचुरल नंबर्स में 1, 2, 3, 4 है, इसमें भी सब 1, 2, 3, 4 है। सो नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, लेकिन नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं है और होल नंबर्स में जीरो है, इसलिए होल नंबर्स और नॉट नेचुरल नंबर्स। ओके गाइस, सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर। सो देखते हैं आपको यह आंसर आता कि नहीं। फिलहाल तो मैं आपका यह पर आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है ट्रू। इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हो 1 by -1 दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं एंड रैशनल नंबर्स में भी आते हैं। सो ये इसका ये है फॉर अदर एग्जाम्पल देखिए m/1। सो ये भी एक इंटीजर एंड रैशनल नंबर में भी ये आता है। ओके गाइस, तो अगर हमने इसके फॉर्म में भी लिखा तो भी ये इंटीजर होगा एंड रैशनल नंबर होगा। सो गाइस हमारा फोर्थ क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। इसका आंसर बन जाता है फॉल्स क्योंकि अगर हम देखें तो 3 by 2 इज नॉट अ सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके ना गाइस, तो अगर हम दूसरा एग्जांपल भी अगर देखें तो उसमें भी यही चीज होने वाली है 4 by 5। सो देखिए उसमें भी यही चीज हो रही है कि वो रैशनल नंबर इंटीजर में नहीं ऐड हुआ है। हमारा टॉपिक है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। सो रैशनल नंबर्स में फाइंड करने हैं 5 1 and 2 में। सो इसके लिए फॉर्मूला है, पहले हमें वो लिख लेना है फॉर्मूला इक्वल्स टू, हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो उसमें हमें सिंपली सिर्फ एक 1 ऐड कर देना है। उसका आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली गाइस उसका आंसर 6 आएगा। सो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। सो पहले हमें इसे रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, देन दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है 6 से। इसका आंसर आता है 6 by 6। देन हमें 2 को भी रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, 6 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, उसका आंसर आता है 12 by 6। ओके, तो हमें ये दोनों नंबर मिल चुके हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में के रैशनल नंबर लेने हैं। सो क्या आएंगे, 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 9 by 6, 10 by 6 and 11 by 6। सो हमें, सो गाइस हमने अभी ये 5 ऐसे नंबर फाइंड किए हैं। पहले हमने सिर्फ इस दोनों के डिनोमिनेटर सेम किया और अगर हम देखें 6 × 6, 6 × 6 ये 1 by 1 ये आ गया और 6 × 6, 6 × 2 = 12 ये 2 by 1 ये आ गया। सिंपली हमने उसे एक ग्रेटर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो गाइस एक्सरसाइज 1.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जीरो रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट जीरो। सो इसका आंसर यस ऑब्वियसली गाइस, क्योंकि हम जीरो भी एक रैशनल नंबर बन सकता है जैसे कि 0 by 2
ये रैशनल नंबर बन सकता है क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और क्यू जो है ये पी है, ये क्यू है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है और जो हमारा क्यू है वो जीरो नहीं है। लेकिन अगर ये इस प्रकार होता तो गाइस ये रैशनल नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओके, अगर हमारा क्यू जीरो हो तो दैट इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो इसका आंसर आएगा यस। एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड सिक्स रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। सो हमें सिक्स रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3 एंड 4 के बीच। सो जैसे हमने अभी पढ़ा है फॉर्मूला इक्वल्स टू सिक्स रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7। अभी इसको हमें पहले रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, जैसे कि 3 बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 बाय 7। तो अपने हमने अभी लिखा है 3 बाय 1 इंटू 7 बाय 7। सो इसका आंसर आता है 7 3 21 7 7। ओके, सो हमें ये मिल चुका है। अब हमें 4 को कन्वर्ट करना है रैशनल नंबर में, 4 बाय 1 इंटू 7 बाय 7, 7 को दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर आता है 28 बाय 7। ओके, सो हमें दो रैशनल नंबर्स मिल चुके हैं। सो हमें अब इसके बीच में के रैशनल नंबर्स लिख लेने हैं सिर्फ बाय 22 बाय 7 23 बाय 7 24 बाय 7 25 बाय 7 26 बाय 7 एंड 27 बाय 7। सो हमने ये रैशनल नंबर्स फाइंड किए। अब देखते हैं सिंपली हमने क्या किया, 3 को एक बड़े रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया और 4 को भी एक बड़े रैशनल नंबर में कन्वर्ट किया, जिसके हमने के 7 1 7 4 देखो आ गया 3 बाय 1 एंड 7 1 7 4 देखो आ गया 4 बाय 1। सो सिंपल है, जैसे हमने पिछली बार कराया वैसी इसी प्रकार का ये सब है। सो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5। सो हमें 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3 बाय 5 एंड 4 बाय 5। अब देखिए इसका पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या है 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं प्लस 1 कितना हो जाता है 6। अब देखना ये पहले से रैशनल नंबर्स में कन्वर्टेड है इसलिए हमें डायरेक्टली 6 से उन्हें मल्टीप्लाई करना है। देखिए 3 बाय 5 इंटू 6 बाय 6 इज इक्वल टू 6 3 18 एंड 18 बाय 30 का आंसर आ जाता है। एंड सेकेंड को हम देखिए 4 बाय 5 इंटू 6 बाय 6 इसका आंसर आता है 24 बाय 30। ओके, हमें दो रैशनल नंबर्स यहाँ पर मिल चुके हैं। अब सिर्फ हमें नोट डाउन करना है 90 बाय 30 20 बाय 30 20 बाय 30 22 बाय 30 एंड 23 बाय 30। देखो ये भी हमने एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया, सिर्फ इसमें कुछ डिफरेंस था जो कि था ये पहले से ही कन्वर्टेड था इसलिए हमने सिर्फ डायरेक्टली उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन अब देखना जो है 18 बाय 30 और 19 बाय 30 ये इतना छोटा डिफरेंस होने के बाद भी इन दोनों के बीच इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। ओके ना गाइस, चलो हमने ये भी सीख लिया, वेल डन। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो इसका आंसर होगा यस, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बिकॉज अगर हम नेचुरल नंबर में 0 ऐड करें तो होल नंबर बन जाता है। सेकेंड, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि जो निगेटिव नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे वो होल नंबर्स नहीं होते। सो नंबर 3 क्वेश्चन होता है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सो यार ये भी रॉन्ग है क्योंकि जो निगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं यानी कि इसका आंसर फॉल्स है, क्योंकि जो निगेटिव रैशनल नंबर्स होते हैं ना वो होल नंबर्स नहीं होते। सो आपने ये वीडियो एकदम लास्ट तक देखा, हर एक्सरसाइज 1.2 के सोल्यूशन एंड इरेशनल नंबर्स मेरे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बाय। मैंने इसका पार्टीशन इसलिए किया है क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो में इतना बड़ा चैप्टर कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं उसके लिए एक न्यू वीडियो बनाने वाला हूँ। सो गाइज आपको वो वाला वीडियो अभी एकदम लास्ट तक देखना है जैसे आपने ये वाला वीडियो देखा है।